हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम नित्यानंद प्रभु के ऊपर उनकी महिमा का जो गुणगान कर रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत से उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा किस प्रकार तीन पुरुष अवतार, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीर उदक्षाई विष्णु का निर्माण होता है। ये सभी माया से परे हैं और वो भगवान का अंश जो माया के सीधे संपर्क में आता है वो है भगवान शिव। और भगवान शिव पार्वती के संग में आते हैं, माया के सीधे संग में आते हैं। हमने देखा किस प्रकार से गर्भोदक्षाई विष्णु ये हरेक ब्रह्मांड में आकर के आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने से भरते हैं और उसके बाद में शेष के ऊपर वो लेट जाते हैं योग निद्रा में। उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल आता है, उसके ऊपर, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का अस्तित्व है और उस डंठल में 14 भुवन हैं। यहां तक हमने चर्चा की थी और इसके आगे हम आज से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु ही है जिनके बारे में चर्चा अब आगे बढ़ रही है। ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम, आदि लीला चैप्टर 5, चैतन्य चरितामृत, श्लोक क्रमांक 113 से। युग मनवंतर धरी नाना अवतार, धर्म संस्थापना करे अधर्म संहार। तो वो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो गर्भोदक्षाई विष्णु इज द एजेंसी थ्रू विच धर्म संस्थापना हैपेंस। और भगवान कृष्ण भी जब किसी भी ब्रह्मांड में अलग अलग लीलाएं आकर के करते हैं तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। इसीलिए लोग समझते हैं कि विष्णु के 10 अवतार और उनमें से 8वें कृष्ण। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इज, जैसे एक स्कूल का जो प्रमुख व्यक्ति है वो है प्रिंसिपल। वहां के सारे टीचर्स को भी प्रिंसिपल ने ही अपॉइंट किया है, लेकिन जब प्रिंसिपल कई बार गुजरते हैं राउंड पर देखने के लिए कि सारी क्लासेस ठीक से चल रही हैं कि नहीं, तो किसी क्लास में उनको अंदर आना है तो वो भी शिष्टाचार वश मैडम से या सर से पूछते हैं, सर मे आई कम इन, मैडम मे आई कम इन, और डेफिनेटली मैडम यस कहती हैं और प्रिंसिपल अंदर आते हैं। तो एक नवसिखिया बच्चा जिसने मैडम को तो रोज देखा है क्योंकि वो उसे पढ़ाती हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर को हमेशा नहीं देखा क्योंकि हमेशा उनसे मुलाकात नहीं होती। तो छोटा बच्चा समझता है कि अरे मुझे क्लास के अंदर आने के लिए मे आई कम इन बोलना पड़ता है, प्रिंसिपल को भी आने के लिए मे आई कम इन बोलना पड़ता है, मतलब हमारी टीचर प्रिंसिपल से भी ऊपर है। लेकिन ये सही लॉजिक नहीं है क्योंकि वो क्लास उस टीचर का है और उस टीचर को देखने के लिए और बच्चों को देखने के लिए प्रिंसिपल आ रहे हैं, इसलिए शिष्टाचार वश प्रिंसिपल मे आई कम इन कहते हैं। सो अगर बच्चा उसमें से ये तुक निकाले कि अरे मे आई कम इन मुझे भी बोलना पड़ता है और प्रिंसिपल को भी बोलना पड़ता है, दैट इज नॉट द करेक्ट आइडिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु प्रिंसिपल इज। उसी प्रकार से हम यहां देखते हैं धर्म संस्थापना करे अधर्म संहार। तो हु डज धर्म संस्थापना? लॉर्ड गर्भोदक्षाई विष्णु। एंड इवन व्हेन कृष्णा कम्स इन ऑर्डर टू डू धर्म संस्थापना, ही कम्स थ्रू द एजेंसी ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु। मे आई कम इन सर? इसीलिए हम समझते हैं कि विष्णु के अवतारों में कृष्ण 8वें हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण भगवद्गीता में स्वयं कहते हैं मत्त परत्रम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैवा। भागवत का प्रथम वर्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वसुदेव के पुत्र जो वासुदेव हैं
वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो एट मेनी प्लेसेस वी हैव दिस वेरी कंफर्म्ड, शास्त्र में कंफर्मेशन है कि कृष्ण और या विष्णु भगवान है। देवगणि न पाया हर दर्शन, क्षीरोदक तीरे याई करे न स्तवन। तो ये जो गर्भदक्षाई विष्णु है या क्षीरोदक्षाई विष्णु है, सबको उनका दर्शन नहीं होता। वो जब कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम आता है तो वह श्वेत द्वीप में जाकर के वो क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। कैसे? पुरुष सूक्त गा करके वो स्तुति करते हैं। तबे अवतारी करे जगत पालन, अनंत वैभव तार नाही कगणन। तो तब जब देवता गण आके स्तवन करते हैं, तब भगवान अलग अलग रूपों में आकर सृष्टि में परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना। तो साधुओं का परित्राण, विना आतताइयों का विनाश और धर्म की संस्थापना ये होती है। से विष्णु यार अंशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतांश। तो ये महाविष्णु जिनके अंश के अंश हैं, या ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जिनके अंश के अंश हैं, वो ओरिजिनल पर्सन है नित्यानंद बलराम। ये नित्यानंद प्रभु की महानता है। से विष्णु शेष रूपे धरिण धरणी, कहा आछे महिषिरे हिन नाही जानी। तो वही भगवान विष्णु शेष नाग के रूप में अनंत प्लैनेट्स को अपने सर के ऊपर, अपने हुड्स के ऊपर रखते हैं। उनके जो सर है इतने बड़े हैं भगवान शेष के कि पूरी पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड जो है पता भी नहीं चलता कहां पे है। नेग्लिजिबल ऐसे। सहस्त्र विस्तीर्ण यार फणाकार मंडल, सूर्य जीनी मणि गण करे जलमल। तो अनंत शेष के हजारों हजारों फन हैं, और उन हजारों हजारों फनों के ऊपर अनेक 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 प्लैनेट्स या ब्रह्मांड स्थित है। सहस्त्रवदन करे कृष्ण गुण गान, निरवधि गुण गान अंत नाही पान। तो अनंत शेष अपने सारे फणों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अनादि अनंत समय से गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान की महानता, उनके गुणगान का कोई अंत ही नहीं मिला है। सनकादि भागवत सुनि यार मुखे, भगवाने रघुण कहे भासे प्रेम सुखे। तो ये अनंत शेष इतने महान है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुष्कुमार इत्यादि सारे महान महान ऋषि अनंत शेष के मुखारविंद से भगवान का गुणगान सुनते रहते हैं। अनंत शेष भी परम सुख से इन गुणों का वर्णन करते हैं। छत्रपादुका शय्या उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो वही बलराम जी किस किस रूप में भगवान की सेवा करते हैं। छत्र अम्ब्रेला, पादुका पैर में पहने जाने वाली चप्पल, शय्या उनका बेड, उपाधान उपाधान यानी तकिया, वसन कपड़े, आराम आराम याने चेयर कुर्सी, आवेश आवास आवास यानी घर, यज्ञ सूत्र याने जनेऊ, और सिंहासन सिंहासन याने सिंहासन थ्रोन। तो इन सारे रूपों में बलराम जी विस्तारित हैं। तो भगवान का जो जनेऊ है वो भी बलराम जी का विस्तार है।
भगवान जिस चेयर पर बैठते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है, भगवान जिस शैया पर पहुंचते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है, भगवान पीताम्बर पहनते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है, तो भगवान का छत्र वो भी भगवान बलराम जी का विस्तार है, भगवान के स्लीपर्स कृष्ण के वो भी बलराम जी है। तो बलराम जी भगवान की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इत मूर्ति भेद करी करे कृष्ण सेवा करे कृष्णेर शिष्यता पाय अशेष नाम धरे। तो इसीलिए उनको शेष भगवान शेष कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में झोंक दिया है। अशेष रूप से जिसने अपने आप को भगवान की सेवा में झोंक दिया, अपने लिए कुछ शेष नहीं रखा, वो भगवान शेष। कौन है वो? बलराम जी। इसीलिए उनका नाम शेष। सेत अनंत यार कहीं एक काल हेन प्रभु नित्यानंद की जाने तार खेला। तो ये भगवान अनंत शेष जिनके विस्तार हैं वो हैं भगवान बलराम जी या नित्यानंद प्रभु। तो अगर अनंत शेष की ही महिमा का वर्णन नहीं है तो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कैसे पाया जा सकता है? एस बापर एस प्रमाणी जानी नित्यानंद तत्व सीमा ताहा के अनंत कही की तार महिमा। तो इन सब तत्वों से हम भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा जान सकते हैं। अगाध है, अगोचर है। जब भगवान कृपा करेंगे तभी वो उस गुण गौरव को हम समझ सकते हैं। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी सकल संभवे ताते याते अवतारी। But I accept it as truth because it has been said by devotees. भगवान अनंत या भगवान बलराम जी की गुणों की सीमाओं को कौन पा सकता है? कोई नहीं। लेकिन जितना हमें पता है उस पर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जितना हमें पता है वो भगवान के भक्तों के श्री मुखारविंद से हमें ज्ञात है। अवतार अवतारी अभेद ये जाने पूर्वे यही छे कृष्ण कृष्णा के केहो काहो करी माने। They know that there is no difference between incarnation and the source of all incarnations. Previously, Lord Krishna was regarded in the light of different principles by different people. तो एक तरीके से अवतार और अवतारी इनमें कोई फर्क नहीं है। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण केहू कहे कृष्ण हय साक्षात वामन। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ही नर नारायण है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ही वामन है। केहू कहे कृष्ण क्षीरो कृष्ण क्षीरो दशाई अवतार असंभव नहि सत्य वचन सबार। कुछ लोग कहते हैं अरे यही तो कृष्ण है जो पुरुष अवतारों के रूप में आ रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सब सही है, कुछ गलत है ऐसा नहीं है। वही कृष्ण राम है, वही कृष्ण वामन है, वही कृष्ण पुरुष अवतार हैं, सब सच है, कोई गलत नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अरे कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही विष्णु है, ऐसे कैसे? यहाँ पे श्याम रसिकदास एक ही है, किसी और नाम का भक्त एक ही है श्याम रसिकदास? अच्छा ये भी श्याम रसिकदास, ये भी श्याम रसिकदास, ये भी श्याम रसिकदास? नहीं, श्याम रसिकदास एक ही है, तो कोई भी व्यक्ति एक ही है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान और उनकी महिमा ये अगाध है, ये ऐसे केवल जड़ विद्या से हम समझ नहीं पाएंगे। So we have to understand this very important principle that in spiritual life, one problem can have many solutions. या एक ही सिद्धांत कई वचनों से प्रतिपादित किया जा सकता है।
अगर हम सिंपल उदाहरण लें तो हमने एक कार देखी है और कार को एक पहली बार देखने वाला व्यक्ति कार बनाता है तो कैसे बनाएगा? अगर उसने साइड व्यू देखा तो वो दो पहिए बनाएगा, उसका वो शेप बनाएगा और उसमें खिड़की बनाएगा, उसमें दो पहिए डालेगा। ये कार है साइड एंगल से। वही कार अगर वो फ्रंट से देखेगा, उसका बम्पर बनाएगा, उसका फ्रंट ग्रिल बनाएगा, हेडलैम्प्स बनाएगा, विंडशील्ड डालेगा, बस खत्म, ये उसके लिए कार है। अगर वो टॉप व्यू में कार देखेगा, ऊपर से एक पतरा दिखेगा, नीचे से एक बोनेट दिखेगा, बस खत्म, और कुछ दिखेगा ही नहीं, ये उसके लिए कार है। सो अल्टीमेटली कार एक ही है, लेकिन जहां जहां से हम उसको देखते हैं परसेप्शन कार का चेंज होता जाता है। उसी प्रकार से भगवान एक ही है, उसको हम जिस प्रकार से परसेप्शंस में देखेंगे उस परसेप्शंस में भगवान का डेफिनेशन चेंज होता जाता है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जिसने एक्चुअली गाड़ी को देखा है, 2D नहीं, एक्चुअली वो कार क्या है जानता है। जिसने केवल पुस्तक में कार का चित्र देखा है वो अब तक कार का ज्ञान नहीं पाया, ऑल्दो उसने कार का ही चित्र देखा। उसी प्रकार से हमारी साधना ये उस कार के चित्र के समान है। हमारे लिए भक्ति अभी कार का चित्र है। जब हृदय स्वच्छ होगा, गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी, तब हम एक्चुअल कार को देख पाएंगे। अभी हम उस कार को केवल पन्ने पलट के देख रहे हैं, 2D में किसी ने जो पेंसिल स्केच बना के दिया, देखो भैया देखो इसको कार कहते हैं। That is how our spiritual life is going. Actual आध्यात्मिक जगत को देखना is like actually seeing a car. हम देख रहे हैं उसको यहां पर अपने जड़ भौतिक अस्तित्व से, चर्म चक्षुओं से, that is like seeing car from side angle or front or back or top view. ऐसे लेकिन अल्टीमेटली वो कार ही है। यही रूपे जाने से ताहा कही सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहीं। आप जैसे चाहेंगे वैसे भगवान आपके समक्ष आएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हर कोई भगवान का रूप देख रहा है, हर कोई भगवान की लीला में भाग ले रहा है, लेकिन जैसी जिसकी सोच है उसके हिसाब से वो भगवान की गुण और उनकी महिमा का आकलन कर सकता है। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण सभी रूपों में आ सकते हैं। तो इसीलिए विद द सेम लॉजिक दैट वन पर्सन और वन थिंग कैन बी सीन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स and it will generate a different imprint in our consciousness. उसी तत्व को लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे देखाई। इसीलिए भगवान चैतन्य गोसाई भी कृष्ण ही है और वो इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में सभी को अपना अवतार कार्य दिखाने के लिए और उस अवतार कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सो लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंद आर दैट स्पेशल इनकार्नेशंस हु आर नॉट ओनली ओपनिंग द स्टोर हाउस ऑफ देयर ओन लीलास बट दे आर इनवाइटिंग कंडीशन्ड सोल्स ऑल्सो टू कम एंड एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेट इन दोज लीलास। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से ही भावी कहे मुई चैतन्य दास। इस प्रकार से भगवान नित्यानंद अनंत, भगवान अनंत के रूप में प्रकाश पाते हैं और भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। कभू गुरु कभू सखा कभी भृत्य लीला पूर्वे ये न तीन भावे व्रज कैल खेला। तो भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं बलराम जी? कभू गुरु
तो क्योंकि बड़े हैं तो उनका सम्मान गुरुवत है। तो कभी गुरु के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी भृत्य यानी सेवक के रूप में। सो गुरु के रूप में क्योंकि बड़े हैं, सखा के रूप में क्योंकि भाई हैं, और भृत्य क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेवक भगवान है। सो इन ऑल दीज थ्री वेज ही सर्व्स कृष्णा। वृषह या कृष्ण सने माथा माथी रण, कभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन। कभी बलराम जी एक बैल के समान कृष्ण के साथ फाइटिंग करते हैं, कभी कभी भगवान कृष्ण भी भगवान बलराम जी के पैरों का मसाज करते हैं, पाद संवाहन करते हैं। अपना की भृत्य करी कृष्णे प्रभु जानी, कृष्णे रकलार कला अपना के माने। तो भगवान को स्वामी करके देखते हैं, अपने आप को एक विस्तार का विस्तार समझ करके नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं या बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। तो अगर बलराम जी अपने आप को विस्तार का विस्तार मानते हैं तो, और वो तो स्वयं साक्षात पूर्ण परमेश्वर है, हम तो जीव हैं, तो हमें अपने आप को कितना दास मानना चाहिए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे यैचे नाचाए से तैचे करे नृत्य। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस वर्स। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये यैचे नाचाए ताई तैसे करे नृत्य। पूर्ण पुरुषोत्तम केवल एक ही है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जिस जिस को नचाते हैं वो व्यक्ति वैसे वैसे नृत्य करता है, एंड दे हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट दे आर दास। शिवजी इवन एक्सेप्ट्स राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सो शिवजी हैज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दैट ही इज अ सिंपल सर्वेंट एंड ऑर्डर कैरियर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। गुरुवर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवासादि आर्यत लघु सम आर्य सबे पारिषद सबे लीला रसहाय सबलैया निज कार्य साधे गौर राय। तो भगवान के नित्यानंद प्रभु जैसे कई सारे पार्षद हैं, तो पंच तत्वों का यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इन सब को लेकर के चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार कार्य को सिद्ध करते हैं। क्या है वो अवतार कार्य? चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड स्प्रेडिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग, दुई जन लैया प्रभुर यत किछु रंग। तो जिस प्रकार से हमारे दो हाथ हैं, दो हाथों से अपना हम कार्य करते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के दो हाथ, एक नित्यानंद प्रभु एक अद्वैत आचार्य। तो जो भी उन्होंने किया इन दो महानुभावों, इन दो भगवानों की मदद से किया। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भृत लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। वही नित्यानंद राम पहले लक्ष्मण बन के आए थे और प्रभु रामचंद्र का सेवन किया। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहिन लक्ष्मण। तो क्योंकि भगवान राम का जो लीला चरित्र है वो करुणा है, हम देखते हैं भगवान को भी सारे रसों का आस्वादन करने की इच्छा है, इसलिए भगवान करुण रस का आस्वादन करने के लिए प्रभु रामचंद्र का अवतार लेते हैं। सो रामायण इज लाइक ट्रेजेडी, स्टार्ट टू एंड इट इज ओनली ट्रेजेडी।
So what business lord has to do with tragedy? भगवान की इच्छा होती है, उनको करना है, करते हैं, इसीलिए उसको लीला अवतार कहा जाता है। एक्चुअली भगवान सच्चिदानंद है, तो सच्चित आनंद स्वरूप आनंद घन ज्ञान घन सच्चिदानंद भगवान, उनके जीवन में दुख कैसे हो सकता है? लेकिन उनको चाहिए, हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए पहले से ही शुगर कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से वो करेला खाता है। अब एक्चुअली उसको डायबिटीज नहीं है, उसके सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स परफेक्टली इन रेंज हैं, फिर भी वो करेला खा रहा है। क्यों? उसकी इच्छा करेला खा रहा है, उसमें क्या? तो ऐसे ही भगवान वो एक्चुअली करुणा रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं। अतः या इसके अलावा भगवान के जीवन में रोष और दुख का कोई कारण ही नहीं है। इट इज हिज लीला दैट इज अनफोल्डिंग। कृष्ण अवतारी ज्येष्ठ हईला सेवार कारण, कृष्ण के कराईला नाना सुख आस्वादन। तो जब प्रभु रामचंद्र के छोटे भ्राता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में बलराम जी आए, उन्होंने देखा कि दिस इज टू मच ऑफ गिविंग अप ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं चलेगा। सो भगवान बोले जा करके कृष्ण से, बलराम जी बोले कि अरे अगली बार मैं आऊंगा, मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो बलराम जी पहले आए। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। श्री राम एंड श्री लक्ष्मण who are plenary portions of Lord Krishna and Balram respectively, entered into them at the time of Krishna's and Balram's appearance. So, हम देखते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, ये भगवान कृष्ण और बलराम जी के विस्तारित रूप हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम जी के आने के साथ ही उनके थ्रू राम और लक्ष्मण भी आए, बिकॉज दे आर प्लेनरी पोर्शंस। संयम शलैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंश अंशी रूपे शास्त्रे कर ये व्याख्यान। आई वर्शिप गोविंद, सॉरी, कृष्ण एंड बलराम themselves present as younger brother and elder brother, but in the scriptures they are described as original supreme personality of Godhead and his expansion. तो यहाँ पर जब भगवान आ रहे हैं तो अपने आप को एक ज्येष्ठ भ्राता और एक कनिष्ठ भ्राता, बलराम जी ज्येष्ठ भ्राता, कृष्ण कनिष्ठ भ्राता, इस प्रकार से ला रहे हैं। लेकिन एक्चुअली शास्त्र कहते हैं दोनों एक ही है, they are पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य का। वो जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो जो बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, और नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं का भगवान नित्यानंद रूप पालन किया करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कर्ण स्पर्शी मात्र से कृपाता हर। तो भगवान नित्यानंद प्रभु की अगाध महिमा है, अब तक हमने जो डिस्कस किया वो तो उनकी महिमा का एक बिंदु मात्र है, और वो बिंदु भी मुझे उनकी कृपा से ही प्राप्त है। सो इन स्पिरिचुअल लाइफ आई कैन नॉट क्लेम प्रोप्राइटरशिप ओवर एनीथिंग, ये मेरा हक है ना? आपका कोई हक नहीं, आपका हक है सेवा करना, लेकिन वो सेवा इस भौतिक जगत के सेवक के समान नहीं होती। Wherein master is ungrateful, काम किया ना ये ले पैसे मुंह पे मार चल जाए यहां से, भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। सकृदेव प्रपन्नोयम तमास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। Once you say भगवान मैं आपका हूं, I'll definitely take care of you. Unless
यू टेल अहेड बाबा मुझे छोड़ दो, टिल दैट टाइम आई विल टेक केयर, डोंट वरी आई विल टेक केयर. आर एक शुन तार कृपार महिमा अधम जीवेर छाड़ा इला ऊर्ध्व सीमा वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते. तो मैं एक और आपको भगवान नित्यानंद राम की महिमा बताना चाहूंगा. मैं तो अयोग्य हूं लेकिन भगवान बलराम जी की कृपा से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं. आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उल्लास ऊपर लिखो तोमार प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध. मैं आनंद से अत्यंत उल्लास से आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं, इसमें कोई अपराध हो जाए हे नित्यानंद प्रभु कृपया क्षमा कीजिए. अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम मिनी केतन रामदास यतार नाम. नित्यानंद प्रभु हैड अ सर्वेंट नेम मिनी केतन रामदास. तो हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा का बखान यहाँ पर करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी. अब तक हमने देखा और नित्यानंद प्रभु से कोई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे याचना करते हैं. नित्यानंद प्रभु की पर्सनली कृपा कैसे मिली कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, ये यहाँ से आगे वर्णन आता है लेकिन उसका सार हम फिर कभी और देंगे. तो ये तीन चार दिन से हमने नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में वर्णन किया. कल से हम अपना भागवत का रेगुलर जो हमने छोड़ा था सती और दक्ष का उपाख्यान उसे शुरू करेंगे. हमारे साथ बने रहिए. श्री नित्यानंद राम की जय. हरे कृष्ण.